सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद जो आप लोग सपोर्ट करते हैं और प्यार देते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आशा करता हूँ आगे भी आप लोग इसी तरह से प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। दोस्तों आज नए साल के दिन है, सिर्फ आज की इस वीडियो में इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आज इस वीडियो को ध्यान से देखना, आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना प्लीज। आज दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा चार ऐसे यूनिक ट्रिक के बारे में, व्हाट्सएप ट्रिक के बारे में जो आप नहीं जानते हैं। जी हाँ गाइस, आज 2022 आ चुका है, अगर आप ये चारों सेटिंग को नहीं जानते हैं, ट्रिक को नहीं जानते तो बहुत ही पछताएंगे। दोस्तों सिर्फ चार ऐसे यूनिक ट्रिक के बारे में बताऊंगा, वो भी बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ चार व्हाट्सएप एप्लीकेशन के चार हिडन सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आपको जानना काफी जरूरी है 2022 में। इसलिए आज इस वीडियो को ध्यान से देखना, काफी इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में बताया और ये सेटिंग किसी भी समय आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीट देखना। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट्सएप के चार ऐसे हिडन सीक्रेट ट्रिक के बारे में जो आप नहीं जानते होंगे, तो बने रहना वीडियो को एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर ट्रिक की ओर चलते हैं। दोस्तों फर्स्ट नंबर ट्रिक क्या है मैं आपको बता देते हूँ। दोस्तों अक्सर आपने अपने दोस्त या अपने भाई के मुँह से सुने होंगे व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार की फोटो सेंड करते हैं तो फोटो की क्वालिटी कम हो जाती है। जी हाँ गाइस, दोस्तों रियल में फोटो की क्वालिटी कम हो जाती है अगर व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करते हैं तो उस फोटो की क्वालिटी कम हो जाती है। लेकिन एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो जितने भी आप फोटो भेजेंगे 1% भी उस फोटो की क्वालिटी कम नहीं होंगे अगर आप इस ट्रिक को सीख लेते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना, देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिले इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज एंड डाटा को ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको नीचे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फोटो अपलोड क्वालिटी, इस पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन में कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगा, डाटा सर्वर पर सेलेक्ट होगा तो आपको चेंज करके आपको बेस्ट क्वालिटी पे सेलेक्ट करना। जी हाँ गाइस, डाटा सर्वर से आपको बेस्ट क्वालिटी पे सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना। दोस्तों बेस्ट क्वालिटी सेलेक्ट हो चुका है, आपको आप जितने भी फोटो आप उस व्हाट्सएप पे भेजेंगे उसकी फोटो की 1% भी फोटो की क्वालिटी कम नहीं, जैसा ही फोटो है वैसा ही उस फोन में भी जाएगा। यानी एक कमाल ट्रिक यू ट्राई जरूर कर लेना। व्हाट्सएप के सेकंड नंबर ट्रिक की ओर चलते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये फोटो एक लड़की की फोटो है, जी हाँ दोस्तों, और ये फोटो की मांग मेरे दोस्त कर रहे हैं या कोई भी एक बंदा मांग कर रहा है, तो आप इस फोटो को कुछ इस प्रकार से सेंड करते होंगे, जैसा मैं आपको बताता हूँ कुछ इस प्रकार से आप इस फोटो को सेंड करते हैं। मैं आपको सेंड करके दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से सेंड करते होंगे और ये फोटो जाने के बाद ऑटोमेटिक उनके फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगा और ये आपके मन में डाउट होते रहता है ये फोटो लोड करके सोशल मीडिया पर डालने दे, इधर उधर शेयर ना कर दे, आपके मन में डाउट होता है। लेकिन आज की इस वीडियो को एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो इस बंदे के पास सिर्फ एक बार फोटो जाएगा। जी हाँ गाइस, सिर्फ एक बार फोटो देखने के बाद दोबारा फोटो देखने की कोशिश करेगा तो वो फोटो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप डिलीट कर देगा। जी हाँ गाइस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको गैलरी ओपन करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पे एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार के फोटो दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक का बटन मिल, जी हाँ दोस्तों 1 लिखा हुआ मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा 1 लिखा हुआ नीचे की, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जिससे आप फोटो सेंड करते हैं इस पर क्लिक करेंगे, फोटो ऑटोमेटिक उसके पास चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार के उनके पास फोटो जाएगा। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि ये फोटो नॉर्मल जैसा नहीं गया, जी हाँ, लोड करेगा और उस फोटो को देखेगा और बैक बटन पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक उस वो फोटो डिलीट हो जाएगा। जी हाँ गाइस, एक बार से दोबारा वो फोटो नहीं देख पाएगा, है ना, ये कमाल ट्रिक, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। दोस्तों अब चलते हैं थर्ड नंबर ट्रिक, तीन नंबर के ट्रिक। दोस्तों तीन नंबर ट्रिक आपको सेटिंग करने से फायदा आपको क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अक्सर आपने व्हाट्सएप पे एक साथ सबको मैसेज भेजने की कोशिश किए होंगे, दोस्तों वहाँ पे व्हाट्सएप पे 5 लोगों से ज्यादा आप उस व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज पाएंगे। जी हाँ गाइस, व्हाट्सएप पे किसी भी एक मैसेज को व्हाट्सएप पे 5 लोगों से ज्यादा उस मैसेज को नहीं भेज पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 लोगों से ज्यादा उस मैसेज को नहीं भेज पाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो 5000 लोगों तक एक साथ मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड कर पाएंगे, वो भी बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करना, देन उसके बाद आपको 3 डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको न्यू ब्रांड कास्ट का ऑप्शन मिलता है। सेकंड नंबर पे न्यू ब्रांड कास्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे जितने भी आपके व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट होंगे सबका लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बारी बारी करके इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से सभी को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो मैं सभी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट है 500,000 जितने भी है सबको बारी बारी करके मैं कौन रहा हूँ। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे सही निशान पे क्लिक करना है, एक ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, जैसा आप देख सकते हैं एक ग्रुप बन गया, 17 मैंने मेंबर को यहाँ पे ऐड कर दिया है। जैसा आप देख सकते हैं 17 मेंबर, यहाँ से आप फोटो को एडिट भी कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो बंदे को मैंने ऐड कर रहा है दोस्तों, जो भी मैसेज यहाँ पर मैं सेंड करूँगा वो ऑटोमेटिक 17 लोगों को तक चला जाएगा। जी हाँ, जितने भी मैंने इसमें ऐड किया सभी के पास मैसेज चला जाएगा, यानी एक कमाल ट्रिक, एक बार ट्राई जरूर कर दी दोस्तों। व्हाट्सएप के 4 नंबर ट्रिक की ओर चलते हैं दोस्तों, ये आखिरी ट्रिक है और ये ट्रिक से आपको क्या फायदा होगा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अक्सर आपके व्हाट्सएप में लॉक लगा होता है, यहाँ पर देख सकते हो मेरे व्हाट्सएप में लॉक लगा हो, अगर अभी कुछ समय दोस्तों उस समय कोई भी बंदा आपको मैसेज करेगा तो आपके नोटिफिकेशन में भी चैट मैसेज दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे, यहाँ पे देख सकते हो ये बंदा मुझे चैट मैसेज किया और यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी कोई भी बंदा इस चैट मैसेज को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन एक ऐसे ट्रिक बताऊँगा जो ये चैट मैसेज हाइड हो जाएगा और सिर्फ नंबर दिखेगा। जी हाँ, सिर्फ नंबर दिखेगा, कितने मैसेज आया यहाँ पे, ये सब मैसेज हाइड हो जाएगा। इससे कोई आपका फायदा होगा, कोई भी बंदा आपके नोटिफिकेशन से कोई भी मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करना, देन उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो एक फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबको बंद कर देंगे, ये ऑन होगा आपके फ़ोन में, इसको बंद कर देंगे। अब जो भी बंदा मैसेज करेगा नोटिफिकेशन में भी शो नहीं करेगा। जी हाँ, नोटिफिकेशन में शो नहीं करेगा, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों। इस ट्रिक को अप्लाई जरूर कीजिएगा। 4 ऐसे व्हाट्सएप के यूजफुल ट्रिक के बारे में बताए, ये 4 में से कौन सा आपको काफ़ी अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में कुछ जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।